चप्पल दिखाकर एक आईएएस ऑफिसर और सीईओ को महिला सरेआम धमका रही है। फरियाद के लिए आई ये महिला असहमत होने पर इतनी बेकाबू हुई कि अधिकारियों को अनाप शनाप बोलने लगी। आरोपी महिला का पक्ष है कि संबंधित अधिकारी ने उसे जाति सूचक शब्दों के साथ संबोधित करते हुए कहा था कि तुम लोग नहीं सुधरने वाले। वाकया मुंगेली जिले की पंचायत कार्यालय का है, जब एक महिला सदस्य ने पंचायत के सीईओ को मारने के लिए चप्पल हाथ में ले ली। एक महिला जिला पंचायत सदस्य के साथ बहस में पड़ना आईएएस अधिकारी और जिला पंचायत के सीईओ को भारी पड़ा। महिला सदस्य ने अधिकारी को चप्पल मारने की भी कोशिश की। महिला का दावा है कि अधिकारी ने उसकी जाति को संबोधित करते हुए कहा कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। बाद में वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों ने महिला को रोका। पंचायत सदस्य लैला ननकू को विकास कार्यों के लिए कुछ राशि स्वीकृत करानी थी। लैला का दावा है कि जिला पंचायत के सीईओ रोहित व्यास अक्सर मुझे टाल दिया करते थे और प्रभारी मंत्री से मिलने के लिए कहा करते थे। गुरुवार को जब मैं उनसे मिलने पहुंची तो उन्होंने जातिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। लैला के मुताबिक ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और उसने चप्पल उतार ली। अधिकारी ने पुलिस को फोन किया तो लैला ने कहा कि पुलिस को भी बुला लो, पुलिस को भी देखती हूँ। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी रोहित व्यास ने महिला जिला पंचायत के पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं महिला ने भी उनके खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर आईएएस एसोसिएशन के अधिकारियों में गुस्सा है और एसोसिएशन के संबंध में जल्द ही एक बैठक भी होने वाली है। बैठक में इस घटना और अधिकारियों के खिलाफ सदस्यों की दबंगई को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का निर्णय हो सकता है।